एक सोनू प्यारा और बाकी के सोनू आवारा। दोस्तों ये शायरी नहीं है, हकीकत है। बिहार में नवादा जिले के रहने वाले सोनू कुमार इन दिनों मीडिया और नेताओं के बीच में बना हुआ है। लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। वो तब है जब ये 11 साल का बच्चा सोनू कुमार नीतीश कुमार से मिला और अपनी परेशानी बताई। सोनू अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है। वह कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है सर, मेरा एडमिशन अच्छे जगह करवा दीजिए। सरकारी स्कूल के टीचर को कुछ नहीं आता है सर, गुहार लगाता है, विनती करता है नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर, क्योंकि वह बड़े बाप का बेटा नहीं है, वह गरीब का बच्चा है। उसका बाप शराब पीता है। बिहार में शराब बंद है ना, फिर कहाँ से आता है शराब? मीडिया को नीतीश कुमार से यह सवाल पूछना चाहिए कि आपका शराबबंदी फेल क्यों है बिहार में, और अगर हर गली मोहल्ले में शराब मिल ही रहा है, लोग पी ही रहे हैं, तो बेवकूफ़ किसको बनाया जा रहा है शराबबंदी का? महिलाओं से वोट लेने के लिए या पुलिस प्रशासन को घूस देने के लिए? ये सब बंद कीजिए नौटंकी। सोनू कुमार बहादुर बच्चा है, उसने बिहार के सरकारी स्कूल और सरकारी टीचरों के बारे में सही कहा है। लेकिन कितनी मीडिया नीतीश कुमार से ये सवाल किया, सरकारी स्कूलों का ये हाल क्यों है? अगर स्कूल का हाल ये नहीं होता तो सोनू कुमार अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए क्यों कहता? नहीं कहता ना, और टीचर को कुछ नहीं आता है ये क्यों कहता? मतलब सोनू कुमार सरकारी स्कूल, टीचर और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो वो दूर होना चाहिए ना। आज सोनू मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से सबके नज़र में आ गया है, तो इसका एडमिशन हो जाएगा अच्छे प्राइवेट स्कूल में। लेकिन बिहार में ऐसे लाखों सोनू कुमार है जो बिहार में घटिया शिक्षा व्यवस्था के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लाखों सोनू कुमार गरीब बाप का बेटा है, उसके पास पैसे नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, तो क्या बिहार के सभी सोनू कुमार का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में नीतीश कुमार करा देंगे? तो फिर सरकारी स्कूल का क्या होगा? क्यों नहीं शराबबंदी की तरह सरकारी स्कूल को भी हमेशा के लिए बंद कर देते? केवल वोट बैंक के लिए शिक्षा के नाम पर घटिया टीचर और घटिया शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं क्यों? नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि सोनू कुमार ने जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है वो सही है दोस्तों। उस सवाल का जवाब नीतीश कुमार से कोई नहीं मांग रहा। सभी मीडिया केवल सोनू कुमार से सवाल पूछने और जवाब लेने में लगे हुए हैं। सोनू कुमार ने अपनी परेशानी बताई, क्या अब तक उसका हल हुआ? केवल उसकी मासूमियत तो लोग दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार से लचर व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। सोनू कुमार से सवाल जवाब करने से अच्छा होता नीतीश कुमार से लचर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछे जाते। सोनू को उसका हक मिल जाएगा, लेकिन क्या दूसरे सोनू कुमार जैसे हजारों लाखों छात्रों को जो शिक्षा नहीं मिल पा रहा है बिहार में, ये मेरा सवाल है, क्या मिल पाएगा? इसका जवाब कौन देगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे ना, तो उनसे सवाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? एक ही सोनू कुमार पर क्यों अटकी हुई है मीडिया और नेता? पूरे बिहार को दुरुस्त करने की जरूरत है ना, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मीडिया वाले सोनू कुमार को पीपली लाइव, एक फिल्म आई थी ना पीपली लाइव, वही बना दिया हुआ है। तो मीडिया वालों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सोनू कुमार को मदद मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के हजारों लाखों सोनू कुमार के लिए इस देश में, केवल बिहार में नहीं, शिक्षा का एक मुद्दा बनना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम ठीक होनी चाहिए, ताकि ऐसे किसी भी सोनू कुमार को हाथ फैलाकर मदद न मांगना पड़े। मेरा नाम नवीन कुमार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।